very fantastic morning to all of you. Now it's study time. Let's start with date. Today is Tuesday. 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 27th April 2021. April. April. And which season is going on? Yes, it's summer season. Students, आज हम हिंदी में क्या करने वाले हैं? Yes, तीन अक्षरों वाले शब्द लिखो. तीन अक्षरों वाले शब्द लिखो. इससे पहले आपने कौन से शब्द सीखे थे? दो अक्षर वाले शब्द सीखे थे, right? आज हम क्या करेंगे? तीन अक्षर. ये देखो, एक दो तीन, तीन अक्षर है. ये तीन अक्षरों वाले अब हम शब्द कैसे बनते हैं वो सीखेंगे. इसके लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले यस एक्टिविटी. यहाँ पे मैम ने कुछ अक्षरों के कार्ड्स उल्टे करके रखे हैं. ये देखो, इसमें अक्षर लिखा है लेकिन इसको मैम ने उल्टा करके रख दिया है. तो अभी हमें नहीं पता किसमें कौन सा अक्षर लिखा है. इसके ऊपर एक हम मैजिक स्टॉल डालेंगे. ये देखो, मैम ने एक मैजिक स्टॉल इसके ऊपर डाल दी. अब हम क्या करेंगे? मैजिक. तो मैजिक करने के लिए क्या बोलना पड़ता है? पहले आबरा का डाबरा, गिली गिली शू. जिस कार्ड के ऊपर मैम ने स्टिक को रखा है, अभी हम वही कार्ड निकालते हैं और देखते हैं उसके ऊपर कौन सा अक्षर लिखा है. ओके, तो ये कौन सा अक्षर है? यस, क. तो हम इसको यहाँ पे रख दें. ये अब तीन अक्षर वाला है शब्द बनेगा हमारा. तो अभी हमें दो अक्षर और निकालने हैं. फिर से करें आबरा का डाबरा. ओके, आबरा का डाबरा, गिली गिली शू. अभी हमें ये वाला कार्ड निकालना है. ओके, तो ये कौन सा अक्षर निकला? यस, म. हमारे पास दो अक्षर हो गए हैं, क म. अभी एक अक्षर और ढूंढना है. चलो स्टार्ट. आबरा का डाबरा, गिली गिली शू. अब ये वाला कार्ड निकालते हैं. इसमें देखते हैं कौन सा अक्षर लिखा है. तो ये ल अक्षर निकला, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे. अभी पढ़े हम क म ल. क म ल क्या बना? कमल. और इसको अब हम यहाँ रखेंगे क म ल, कमल. अभी एक और बनाते हैं. ओके, आबरा का डाबरा, गिली गिली शू. ये वाला कार्ड निकाल के देखते हैं. तो ये कौन सा अक्षर था? भ. अभी दूसरा अक्षर ढूंढे. आबरा का डाबरा, गिली गिली शू. ये वाला कार्ड देखते हैं कौन सा है ये. यस, ग. भ ग. अभी एक और ढूंढना है. आबरा का डाबरा, गिली गिली शू. ये वाला कार्ड देखते हैं अभी. ओके, त. इसको यहाँ पे रख दो. तो हमारे पास तीन अक्षर हो गए हैं, भ ग त. इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? भगत. यस, भगत, भगत. इसको यहां पर लगा देते हैं ऐसे ही. अब हम दूसरा ढूंढते हैं. ओके, आबरा का डाबरा, गिली गिली शू. ये अक्षर है श. इसको हम यहां पर रखते हैं पहले. अभी दूसरा अक्षर ढूंढते हैं. आबरा का डाबरा, गिली गिली शू. ये वाला कार्ड निकालते हैं. इस कार्ड पे कौन सा अक्षर लिखा है? ह. इसको यहाँ पर रख दो. अभी एक अक्षर और ढूंढना है. आबरा का डाबरा, गिली गिली शू. ये अक्षर है द. अब इन तीनों अक्षरों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? श ह द. शहद. इसको यहाँ पे रखेंगे. ओके, तो ये तीन अक्षरों वाला ये शब्द बन गया. एक और करें. आबरा का डाबरा, गिली गिली शू.
ये वाला कार्ड देखते हैं। ब ब को यहाँ पे रखो। अभी दूसरा देखते हैं, आबरा का डाबरा गिली गिली, बीच में करें यहाँ पर शू, कौन सा अक्षर है ये? त। ब त, दो अक्षर हो गए हमारे पास। अभी एक और ढूंढना है, आबरा का डाबरा गिली गिली शू, इसको देखते हैं कौन सा अक्षर ये? यस ख, इसको यहाँ पे रख दो। तो अभी क्या बना? ब त ख, बतख, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी एक्टिविटी आप भी करोगे, पहले जो कार्ड्स हैं उसके ऊपर अक्षर लिखोगे, अक्षर को जो भी लिखे हुए हैं आपने वो कार्ड्स उल्टे रखोगे, देन उसके ऊपर कोई भी दुपट्टा या कोई भी कपड़ा आप ऐसे रख दोगे, ठीक है? मतलब वो कार्ड्स आपको थोड़े से दिखने चाहिए। जब आप मैजिक वॉन्ड से ऐसे आबरा का डाबरा करोगे और जिस कार्ड के ऊपर आप रखोगे उस कार्ड को आपको निकाल के देखना है और इसी तरह सीक्वेंस में लगाना है और कोई तो शब्द उससे बनेगा तीन अक्षरों वाला, ठीक है? अभी हम बोर्ड पे पढ़ते हैं। म जमा ह जमा ल महल, ब जमा त जमा ख बतक, स जमा ड जमा क सड़क, क जमा म जमा ल कमल, र जमा ब जमा ड रबड़, म जमा त जमा र मटर, श जमा ह जमा द शहद, भ जमा ग जमा त भगत, क जमा ल जमा म कलम। ऐसे स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। हैव अ गुड डे।